चलिए बेटा, इसमें एक चीज है, सभी लोग कंफर्म कर दीजिए जो आपके सामने पेज शेयर किया गया वो क्लियर है सभी को। वो आप लोग एक बार कंफर्म बता दो कि क्लियर है या नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर आपको जो है कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो WBC पढ़े थे। WBC में आपको बताया गया था कि 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको WBC देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों ने ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स डिवाइड किया था। फिर आपने जो डिवाइड किया था वो स्टेन के बेसिस पे था, जिसमें एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स ये सारे थे आपको। अब यहाँ पर भी देखोगे तो आपको जो दिया गया है वो आपको 5 के 5 जो आप लोगों ने डिवाइड किया गया था वो आपको यहाँ पर कंप्लीट दिया गया है। इसमें आप जब देखोगे तो फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपको, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट देखने को मिलेगा वो आपको है न्यूट्रोफिल्स। जब फर्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा कि वो आपका दिखेगा न्यूट्रोफिल्स है। इसी में आपको बेसिडोफिल्स है, एसिडोफिल्स है, मोनोसाइट्स है एंड लिम्फोसाइट्स है। जो हम लोगों ने कल 5 पढ़े थे वो आपको यहाँ पर दिया गया है। उसी में जब आप देखोगे तो वहां पर जो होगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो सारे फंक्शंस वगैरह आपको दिए गए। फर्स्ट देखोगे तो कितना परसेंट होता है वो चीज दिया गया है, सेकेंड साइज दिया गया है, न्यूक्लियस आपको कैसा होता है वो दिया गया है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है वो दिया गया है, ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं वो दिया गया है, लाइफ स्पैन, फॉर्मेशन एंड फंक्शन, ये सारे चीजों के ऊपर आप डिवाइड करके यहाँ पर देखोगे तो क्लियर जो है हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड किया है। और कल याद होगा हम लोगों ने जब पढ़ा था WBC में तो WBC ल्यूकोसाइट्स बोला गया था, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोल सकते थे, और हमने ये बोला था कि 5 टाइप्स के आपको WBC देखने को मिलेगा। और आपने WBC में एक चीज और बोला था कि वहां पर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर होता है। पॉली का मतलब आपको बताया गया जो न्यूक्लियस का शेप होगा वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी जो देखोगे तो आपको जो दिखेगा कि जो शेप ऑफ न्यूक्लियस है वो आपको डिफरेंट टाइप्स के हैं बेटा, ये बिल्कुल आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि जो हम लोगों ने कैटेगरी किया था उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो 5ों के 5ों वो दिखा रहा हूं बेटा, वो आपको क्लियर दिखेगा। कुणाल जस्ट अ मिनट, आप लोग वेट कर लीजिए, दिखेगा वो। वो दिखेगा, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए जस्ट। एक सेकेंड रुक जाइएगा, ओपन हो रहा है।
चलिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा सभी को, फर्स्ट जब देखेंगे तो आपको न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आपको यहाँ पर दोनों दिखेंगे। अब यहाँ पर देखोगे बेटा तो आपको जो है वो क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जब उसकी बातें करेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं आपका न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स में आपको ये बोला गया था कि जो न्यूट्रोफिल्स होता है वहां पर आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो स्टेन यूज करेंगे वो आपको क्या चीज होगा, एसिड और बेस दोनों आप लोग यूज करोगे। अब यहाँ पर एक एक चीज देखेंगे तो सबसे पहले है कि कितना परसेंट वो होता है, और यहाँ पर आपको सिंपल दिखेगा कि कितना परसेंट होता है, हमने जो यहाँ पर लिखा है वो आपको दिया गया है 62%। इट मीन्स जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो आपको 62% होगा। जब यहाँ पर आप साइज देखोगे तो साइज जो होगा वो आपको 10 से 12 माइक्रोमीटर आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आपको लिखा गया है। इसी में न्यूक्लियस देखोगे तो आपको जो है वो मल्टीलोब्ड है। मल्टीलोब्ड का मतलब यहाँ पर जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप लोग बनाओगे तो अगर आपका सिंगल लोब होगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जब देखोगे तो आपको जो न्यूक्लियस दिखेगा कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो आपका मल्टीलोब कंडीशन होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर याद रखना है कि जो न्यूक्लियस होगा वो आपको मल्टीलोब होगा, जो यहाँ पर आपको क्लियर विजिबल है जो डायग्राम में आपको दिख रहा है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, तो न्यूट्रोफिल्स है तो यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म भी आपको न्यूट्रोफिलिक होगा, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म न्यूट्रोफिलिक होगा। ग्रेन्यूल्स जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो कैसा होगा, तो यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा। लाइफ स्पैन कितना होता है, तो लाइफ स्पैन जो होगा वो 10 से 12 आवर्स का होगा ओनली, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो आपको बोला गया कि 3-4 डेज होगा, उसमें आपको न्यूट्रोफिल्स का सिर्फ आपको 10 से 12 आवर्स होता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो में होता है। बोन मैरो की जब बात करोगे तो क्या चीज होता है बेटा, जो बोन्स में आपके स्पॉन्जी पार्ट होते हैं उसको आप लोग बोन मैरो बोलोगे। तो यहाँ पर जो होगा कि फॉर्मेशन जो होगा वो रेड बोन मैरो में आपको देखने को मिलेगा। फंक्शन की बात करोगे कि इसका फंक्शन क्या चीज होता है, तो फंक्शन जो होता है वो फैगोसाइट्स होता है। फैगोसाइट्स का मतलब है ये किसी चीज को इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर सकता है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा कि कोई भी अगर पार्टिकल है तो उसको इनगल्फ करके इजिली उसको डाइजेस्ट कर सकता है, ये चीज याद रखना है। और ये सारे पॉइंट्स आपको न्यूट्रोफिलिक के हैं, यानी कि न्यूट्रोफिलिक टोटल परसेंटेज 62 होगा। जब साइज की बात करेंगे 10 से 12 होगा, मल्टीलोब कंडीशन होगा, साइटोप्लाज्म न्यूट्रोफिलिक होगा, ग्रैन्यूल्स आपके बहुत ही फाइन पार्टिकल्स दिखेंगे, लाइफ स्पैन आपको 10 से 12 आवर्स होगा, फॉर्मेशन कहाँ होगा तो रेड बोन मैरो में, फंक्शंस क्या होंगे तो आपको फैगो साइटिक इन नेचर है को, तो यहाँ पर आपको फंक्शन फैगोसाइट्स आपको बताया गया। नेक्स्ट जब सेकेंड देखोगे तो यहाँ पर जो है वो आपको बेसोफिलिक है। जब बेसोफिलिक की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो आपका परसेंटेज होगा वो 0.5 से लेकर आपको 2% देखने को मिलेगा, मतलब ये आपको पॉइंट जो है वो 0.5 को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। साइज जो बात करोगे तो 8 से 10 हो जाएगा। न्यूक्लियस का शेप जब देखिएगा इस डायग्राम में, देखिए आपको जो न्यूक्लियस का शेप मिलेगा कुछ आपका एस शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया जो न्यूक्लियस होगा वो आपको एस शेप का होगा। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में वो क्लियर दिख सकता है कि न्यूक्लियस जो है कुछ आपका एस शेप स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म कैसा है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपको बेसोफिलिक होता है, मतलब कि यहाँ पर स्टेन जो होगा वो बेसिक होगा। ग्रेन्यूल्स कैसे होंगे, तो आपको कोर्स होगा, मतलब कि यहाँ पर वो फाइन पार्टिकल्स नहीं, थोड़ा सा वो आपको जो है वो आपको लार्ज पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा, ये चीज आपको याद रखना है। कंपेयर भी देखोगे तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में बनाया गया है वो आपको बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स है।
लेकिन जब आप देखोगे बेसोफिलिक में तो यहाँ पर पार्टिकल्स के साइज जो है आपको लार्ज किया गया, ये आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा कि साइज जो है वो यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स के लार्ज आपको दिख रहा है। लाइफ स्पैन कितना है, तो लाइफ स्पैन की जब बात करोगे तो 8 से 12 आवर्स का होता है। कहाँ पे ये फॉर्म होता है, तो ये भी जो फॉर्म होता है बेटा फॉर्मेशन, वो रेड बोन मैरो में ही होता है। क्या सिक्रीट करता है, तो ये जो सिक्रीट करेगा वो हेपेरिन और हिस्टामिन का सिक्रीशन का काम करता है। और ये फंक्शंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको बेसोफिलिक जो होगा वो क्या सिक्रीट करेगा, तो हेपेरिन और प्लस आपका हिस्टामिन का सिक्रीशन का काम करेगा। उसी में जब नेक्स्ट देखोगे तो आपका जो होगा बेसिडोफिलिक के बाद जो आएगा वो आएगा आपका एसिडोफिलिक। जब आप लोग एसिडोफिलिक की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो आपको दिया गया है 2 से 4% होगा, साइज 10 से 15 होगा, और न्यूक्लियस जो होगा वो आपको मल्टीलोब्ड नहीं होके आपको बाइलोब्ड होगा। यहाँ पर जब देखिएगा तो न्यूक्लियस जो है वो आपको जो क्लियर दिख रहा है कि लोब जो है वो आपको 2 लोब है, इसका मतलब ये जो होगा वो आपको बाइलोब्ड होगा जो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स को यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर से जो होगा वो पार्टिकल्स लार्ज होगा, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि फाइन नहीं है। नेक्स्ट जब देखोगे तो इसमें लाइफ स्पैन जो होता है वो आपको 14 आवर्स का होता है। फिर से ये फॉर्म कहाँ होता है, तो ये आपको जो होगा फॉर्मेशन वो होगा रेड बोन मैरो में ही, ये तीनों के तीनों अभी तक फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट देखोगे फंक्शन क्या चीज है, तो एंटी एलर्जिक है, यानी कि जब एलर्जी होगी तो उसके अपोजिट काम करेगा, यानी कि एंटी एलर्जिक है, और जो हेल्प करेगा वो बाउंड हीलिंग में काम करता है। बाउंड हीलिंग का मतलब अगर कोई भी चोट वगैरह लग गया तो उसको वो हीलिंग का काम करेगा। नेक्स्ट जब देखोगे जो फोर्थ होता है वो हमारा होगा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स की जब बात करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज कितना है, तो 5 to 3% होगा, साइज 12 से 15 होगा। जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखोगे तो डायग्राम देखिए, तो यहाँ पर जो है वो आपको कुछ जो है वो किडनी शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, या इसी को आप लोग बीन शेप भी बोल सकते हो। तो किडनी शेप दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपको जो है वो किडनी शेप दिया गया है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, तो आपको बेसोफिलिक होगा। ग्रेन्यूल्स बेटा यहाँ पर आपको डॉटेड पार्ट्स दिख रहे हैं, बट वो आप लोग जो है वो ग्रेन्यूल्स यहाँ पर अब्सेंट होता है। वो डायग्राम बनाइएगा तो साइटोप्लाज्म में आप कुछ भी ड्रॉ मत करना, यहाँ पर बिल्कुल ही आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर ग्रेन्यूल्स जो होता है वो आपका अब्सेंट होता है। लाइफ स्पैन कितना होता है, तो इसको आपको देखने को मिलेगा 10 से 20 आवर्स जो होता है वो मोनोसाइट्स का लाइफ स्पैन होता है। कहाँ फॉर्म होता है, तो स्प्लीन में फॉर्म होता है, प्लस आपका फॉर्मेशन लिम्फ नोड्स में आपको देखने को मिलेगा। एक्ट कैसा करता है, तो स्कैवेंजर्स की तरह एक्ट करता है। स्कैवेंजर्स बचपन में पढ़ा था, उसी तरीके से हमारा WBC का मोनोसाइट्स भी आपका एक्ट करेगा, यानी कि फंक्शन इसका स्कैवेंजर की तरह है। नेक्स्ट जब देखोगे जो आपका फिफ्थ है वो है आपको लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो दिखेगा परसेंटेज कितना होता है, तो 30% होगा। साइज की जब बात करोगे तो 8 से 12 होगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर आपको डायग्राम में नीचे दिखेगा, यहाँ पर जब देखिएगा तो न्यूक्लियस जो होगा आपका राउंडेड होगा, मतलब कि यहाँ पर अगर ये सेल हो गया तो ये जो न्यूक्लियस होगा आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखोगे तो न्यूक्लियस आपको बताया गया कि राउंडेड होगा। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपको बेसोफिलिक होता है। ग्रेन्यूल्स जो होगा बेटा, यहाँ पर भी आपको साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स जो है वो आपको अब्सेंट दिखेगा। लाइफ स्पैन कितना होता है, तो मंथ से लेकर ईयर तक आपको देखने को मिल सकता है, वो 5 मंथ हो या अप्रोक्स आपका 1 ईयर्स तक वो जा सकता है। कहाँ पे फॉर्म होता है, तो आपको थाइमस में फॉर्मेशन होगा, और आपको फॉर्म जो होगा वो लिम्फ नोड्स में होगा। किसमें काम करता है, तो फॉर्मेशन जो करेगा वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है। और यहाँ पर आपको पूरा जो है वो आपको बताया गया कि साइज कितना है,
न्यूक्लियस कैसा होगा, साइटोप्लाज्म में क्या चीज देखने को मिलेगा, लाइफ स्पेन कितना होगा, फॉर्मेशन कहाँ पे होगा और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और प्लस आपको डायग्राम भी मैंने लास्ट में बनवाया है जिससे आपको ये क्लियर होगा कि उसमें न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो कैसा होता है। क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर बोला था कि वहां पर जब आप देखोगे तो WBC में आपको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर बोला गया था। पॉलीमॉर्फो का मतलब कि जब WBC के डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC जब देखेंगे तो वहां पर न्यूक्लियस का जो शेप होगा वो अलग होगा। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हो बेटा कि जो न्यूक्लियस का शेप है वो सभी में अलग है। यहाँ पर आपको क्लियर विजिबल है पांचों में, किसी में मल्टी लोब्ड है, किसी में एस शेप का है, किसी में आपको बाई लोब्ड है, किसी में किडनी शेप का है और किसी में राउंड है। मतलब कि सभी में न्यूक्लियस क्या चीज हो गया, आपको डिफरेंट हो गया। जब आपका न्यूक्लियस डिफरेंट हो गया तो आप क्या बोलोगे कि वो जो है WBC हमारा वो आपको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर है। पर वो चीज आपको क्लियर दिख रही है, सभी के फंक्शंस दिए गए हैं। एक बार आप लोग खुद से पढ़कर देखिए, अगर कहीं लगता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपको दिमाग में याद रखना है कि ये उसके फंक्शंस है। यहाँ पर वो फॉर्म होता है, लाइफ स्पेन इतना होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, न्यूक्लियस कैसा होता है, ये आपको कंप्लीट जो है बेटा वो याद रखना है। लगता है कहीं पर फिर भी कि अगर कुछ पॉइंट पे दिक्कत है, नहीं समझ आया, तो वो आप लोग एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि क्लियर एक बार पढ़ के देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पढ़ने की चीज है। एक बार आप लोग पढ़कर देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जब याद करोगे, जब आपको दिखेगा तो क्लियर ये आप लोग पढ़ के समझ सकते हो। तो थोड़ा सा आप इसको देखिए एक बार, अगर लगता है तो प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो ये WBC का लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग जो करेंगे वो होगा आपको प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स दोनों सुना है ना, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स सेम होता है या अलग होता है? अगर ये जिसका क्लियर हो गया वो एक चीज बता सकता है कि प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स हम लोग बोल सकते हैं एक होता है या अलग अलग होती है? ये आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, सेम होता है, ठीक है, सेम होता है देव कुणाल, बिल्कुल ठीक है आपका। लेकिन यहाँ पर जो बेटा हम लोग जो 11th के लेवल पे बात करेंगे ना, जब आप बुक्स उठाओगे, ये आपको डेफिनेटली लिखा होगा कि प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन एक होता है, जिस कारण से बोलते हो कि दोनों जो है वो एक है। लेकिन जब दोनों का आप डीप स्टडी करोगे, या 11th के लेवल पर हम ये नहीं बोलेंगे कि दोनों एक है, बट दोनों का फंक्शन जो होता है वो एक होता है। दोनों जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो करते हैं आपको ब्लड क्लॉटिंग में। हाँ, ये जो बताऊं सिंपल, जो प्लेटलेट्स मिलेगा वो मैमल्स में मिलता है, वी आर मैमल्स है हम लोग, तो मैमल्स में आपको प्लेटलेट्स होगा। लेकिन जब यही चीज बात करोगे कि अदर ऑल वर्टिब्रेट्स, जो आप लोगों ने 9th में क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मैमल्स, यानी कि मैमल्स को छोड़कर इसमें मिलेगा वो आपको थ्रोम्बोसाइट्स होता है। थ्रोम्बोसाइट्स आपको न्यूक्लिएटेड होता है, प्लेटलेट्स आपका नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, तो आपको डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन आप जब बुक्स में देखोगे तो आपको लिखा रहेगा कि दोनों सेम होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग करके वहां पर 11th के लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार WBC देख लीजिए, सारे WBC आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है, डिफरेंस आप खुद कर सकते हो। लगता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर जो है आप लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम लोग प्लेटलेट्स या आपका थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर देख लीजिए, अगर लगता है किसी को प्रॉब्लम है, जो लेट आए होंगे वो भी पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे मैं बार बार उसको एक्सप्लेन करूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ओके अगर प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल था, यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं था, यहाँ पे सिंपल आप लोग याद रखोगे वो चीज आपको क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट जो है हम लोग जो टॉपिक डालेंगे वो डालिएगा आप लोग प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए यहां पर टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट होगा वो डालिएगा आप लोग प्लेटलेट्स और एंड थ्रोम्बोसाइट्स। दोनों में डिफरेंस होता है वो चीज आपको यहां पर देखने को क्लियर मिलेगा, प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। और एक चीज याद रखिए, अगर किसी बुक्स में लिखा है कि यहां पर आपको जो बोला जाए कि प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट सेम है तो वो बुक गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग क्यों अलग कर रहे हैं वो चीज आपको यहाँ पर क्लियर आपको बताई जाएगी। तो वो बुक गलत नहीं है, वो भी सही है और हम भी सही है अपने अपने जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी बुक में आप लोग पढ़ोगे तो कोई बुक गलत नहीं है, बिल्कुल सही है वो भी जो कह रहे हैं और जो हम भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है बेटा। तो यहाँ पर सिंपल जो आप लोगों का टॉपिक हो गया वो डालिएगा प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। अब दोनों को जो है यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो देखोगे प्लेटलेट्स की जब बात करेंगे, सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर देखेंगे तो वो जो होगा आपका, हम लोग बात करेंगे फर्स्ट प्लेटलेट्स का, फिर बात करेंगे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स का। तो फर्स्ट जो है वो आपका होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स का जब आप लोग फंक्शन देखोगे तो फंक्शन वो दोनों सेम परफॉर्म करते हैं। अगर हमें कहीं इंजरी होती है, अगर मान लीजिए कि फिंगर टिप की है, यहाँ पर अगर ब्लेड का कट लग जाता है गलती से, तो आप जो देखोगे तो ब्लीडिंग होती है, बट कुछ टाइम बाद जब आप देखोगे तो वहां पर क्या चीज होगा कि ब्लड जो है आपको क्लॉट हो जाता है, वहां पे आपको क्लॉट फॉर्मेशन क्लियर दिखेगा और ब्लीडिंग जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। यही जब आप मेडिकल के स्टूडेंट जब बनोगे तो बेटा वहां पर आपको इसके लिए जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो सभी का अलग अलग होता है, वहां पे आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे या मे बी 11th के आपके जो प्रैक्टिकल होंगे वहां पर हो सकता है, सभी का ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन जो ब्लीडिंग का क्लॉट होता है यानी कि जो क्लॉटिंग में हेल्प करेगा वो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स करेंगे। तो प्लेटलेट्स की जब सबसे पहले बात करोगे तो ये जो होता है वो फाउंड ओनली इन मैमल्स, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा। जब यहाँ पर लिखोगे तो ये जो होगा फाउंड ओनली इन मैमल्स, ये सिर्फ आपको मैमल्स में देखने को मिलेगा। और जो थ्रोम्बोसाइट्स होगा वो मैमल्स को छोड़ के सभी वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट यही याद रखना है कि प्लेटलेट जो है वो सिर्फ आपको मैमल्स में मिलेगा। और यहाँ पर जब नेक्स्ट देखोगे तो आपको जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो प्रोड्यूस्ड होता है वो एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड होता है, जहां पे जॉइंट सेल्स होते हैं वो आपको एरिया में ये प्रोड्यूस्ड होगा। तो सिंपल जब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे तो यहां पर जो होगा प्रोड्यूस्ड एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स, फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स मतलब कि जो जाइंट सेल्स होंगे वो आपको प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल जो होगा वो होगा आपको मेगा कैरियोसाइट्स। और ये जो मेगा कैरियोसाइट्स है यानी कि जो जाइंट सेल हम लोग बोल रहे हैं कहाँ मिलेगा, तो ये सिंपल याद रखना है कि ये जो मिलेगा फाउंड इन रेड बोन मैरो, या सिंपल आप लोग बोल सकते हो कि प्लेटलेट्स कहाँ फॉर्म होते हैं अगर सिंपल पूछा जाए, तो वो जो फॉर्मेशन होगा वो होगा आपको रेड बोन मैरो में। ये आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है।
अब यहाँ पर जो देखने को मिलेगा बेटा कि यहाँ पर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, तो प्लेटलेट्स में याद रखना कि यहाँ पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो सिंपल जो लिखेंगे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो प्लेटलेट जो हमारा है वो जब बात करोगे तो कैसा होता है, तो आपको जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, वहां पर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। जब नेक्स्ट देखोगे इसका शेप कैसा होता है, जब शेप देखेंगे तो यहाँ पर जो दिखेगा वो ओवल शेप का आपको दिखेगा, तो ये जो होता है वो ओवल शेप का होता है। लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन होता है बेटा कि जो इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वहां पे आपको डेंस मटेरियल्स दिखेंगे, तो बहुत लोग जो होता है वो उसको देख नहीं पाते क्लियर, तो बोल देते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब इसका आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे, जब शेप बनाओगे, तो ये आपको जो है वो ओवल आपको प्लेटलेट्स दिखेगा, और यहाँ पर जो आपको दिखेंगे जो आपका सेंटर है यहाँ पर जो आपको दिखेगा ये डेंस मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना न्यूक्लियस नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ पर जो देखोगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो डेंस मटेरियल होता है, और डेंस मटेरियल की जब बात कीजिएगा तो ये जो होगा वो आपको जो होगा वो बेसिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेंस जो है वो आपको मटेरियल दिखेगा जो बेसिक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होंगे, बट यहाँ पर आपको जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, ये आपको क्लियर याद रखना है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट जब बात करोगे यहाँ पर कि इसका साइज क्या होता है, जब साइज की बात करेंगे बेटा तो ये जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है, बहुत ही छोटा होता है, साइज जो होता है इसका स्मॉल होता है, और कितना हो सकता है तो 2 से 3 माइक्रोन्स आपको देखने को मिलेगा कि इसका साइज जो है वो 2 से 3 माइक्रोन है, ठीक है, यानी कि साइज बहुत ही छोटा होता है। इसकी जब बात करोगे कि नेक्स्ट पॉइंट में कि लाइफ स्पेन कितना होता है, कि सारे ब्लड के हम लोगों ने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के आपको लाइफ स्पेन हम लोगों ने देखा 120 डेज, 3 to 4 डेज होता है, इसका जब लाइफ स्पेन देखोगे तो ये जो होता है आपको 7 to 10 डेज इसका लाइफ स्पेन बेटा होता है। सिंपल याद रखिएगा यहाँ पर जो लाइफ स्पेन होगा वो आपको जो देखने को मिलेगा वो होता है 7 to 10 डेज। नेक्स्ट जो है वो यहीं पर बात करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि प्लेटलेट्स काउंट, जब प्लेटलेट्स काउंट की बात करोगे तो प्लेटलेट्स जो काउंट होगा वो आपको जो देखने को मिलेगा वो होता है, सिंपल जब लिखेंगे तो प्लेटलेट्स काउंट होगा वो जो होगा आपको 2.5 से लेकर 3.5, एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, साइज है, लाइफ स्पेन हो गया, प्लेटलेट्स काउंट, चलिए यहाँ पर जो प्लेटलेट्स काउंट लिखोगे वो आपका जो होगा वो 2.5 से लेकर 3.5 × 10⁵ आपको देखने को मिलेगा। तो प्लेटलेट्स काउंट सिंपल याद रखोगे 2.5 to 3.5 × 10⁵ होगा। अगर यहाँ पर जब सिंपल देखोगे कि अगर डिक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, तो सिंपल जब देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा डिक्रीज
डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट जब बोलिएगा तो यहां पर जो आपका होगा कॉल्ड, सिंपल लिखोगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो यहाँ पर जो आपका डिक्रीज इन जो होगा कि आपका जो है कि थ्रोम्बो जो प्लेटलेट्स है वो आपको डिक्रीज कर रहा है, तो सिंपल जो उसको आप लोग बोलोगे वो होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो यहाँ पर आपको लिख भी दिया जाता है वो जो होगा यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, ये आपको जो सिंपल होगा कि जब डिक्रीज होगा प्लेटलेट्स काउंट में तब बोलोगे। इसी में जब देखोगे कि अगर यहाँ पर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर सिंपल जब लिखेंगे तो इंक्रीज इन प्लेटलेट्स। इसको जो आप लोग बोलोगे कि जो प्लेटलेट्स में आपका इंक्रीज हो रहा है ये जो होगा वो होगा आपको थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस जो होगा वो प्रोसेस है, यानी कि जब आपको इंक्रीज करेगा तब आप लोग सिंपल उसको बोलते हो थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब फंक्शंस की जब बात करोगे तो फंक्शन जो होगा वो सिंपल आपको याद है कि इसका जो काम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का होता है। तो सिंपल आप लोग फंक्शन वहां पे नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग ऐड करोगे वो जो होगा आपको एक सेकेंड रुक जाइएगा, स्टॉप हो गया। वो आप लोग सिंपल लिख लीजिएगा आपको थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज इन प्लेटलेट्स। नेक्स्ट जो होगा यहां पर आपको थ्रोम्बोसाइटोसिस जो होगा वो आपको इंक्रीज इन प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होगा वो आपको डिक्रीज इन प्लेटलेट्स होगा। नेक्स्ट जब बात करोगे कि फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, जो फंक्शन की जब बात कीजिएगा बेटा तो ये जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो हेल्प करेगा ब्लड क्लॉटिंग में। तो सिंपल जब यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो काम होता है वो होता है फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में आपको यूज होगा। अब होता क्या चीज है ब्लड क्लॉटिंग में, ये आप लोग डिटेल से पढ़ोगे भी कि हमें ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड क्लॉटिंग कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज होगा कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट में इंजरी होती है तो सिंपल जब लिखोगे तो फ्रॉम इंजर्ड प्लेटलेट्स या बॉडी पार्ट्स, सिंपल यहाँ पे इंजर्ड प्लेटलेट्स या आप लोग बॉडी पार्ट्स भी कर सकते हो, तो क्या रिलीज होगा तो वो जो होता है वो प्लेटलेट्स फैक्टर होगा, या उसी को जो आप लोग बोलोगे वो जो सिंपल होता है वो आप लोग बोल सकते हो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये आपको वहां पर रिलीज होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग जो सिंपल जो लिखेंगे तो वो जो होगा कि वहां से जो रिलीज होगा वो आपको फैक्टर रिलीज होगा, जिस फैक्टर को आप लोग जो बोलते हो वो होगा आपको यहाँ पर फ्रॉम इंजर्ड प्लेटलेट्स जो रिलीज होगा वो होगा आपका वो जो आपको वहां से देखने को मिलेगा जो रिलीज होगा बेटा वो होगा आपको प्लेटलेट्स फैक्टर, या उसी को जो आप लोग बोलते हो वो होता है आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो सिंपल प्लेटलेट्स फैक्टर लिखोगे या इसी को आप लोग जो लिखोगे वो लिखोगे थ्रोम्बोप्लास्टिन।
तो आपको हेल्प करेगा किस चीज में, तो आपको ये ब्लड क्लॉटिंग में आपको ये हेल्प करेगा। उसी के अलावा जब देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज और रिलीज करेगा जो होता है आपको सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन जो होता है वो आपको वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोग समझोगे तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आपका कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, तो वो जो रीजन होता है वो आपको सेरोटोनिन के रीजन के कारण होगा। तो सेरोटोनिन क्या करेगा, जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं उसको सिंपल क्या करेगा, वो आपका जो साइज कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो ल्यूमन का साइज आपका डिक्रीज हो जाता है। इसका यूज भी आप लोग आगे पढ़ोगे, अगर प्लेटलेट्स में डाउट है तो यहाँ पर एक बार क्लियर कर लीजिए, पूरे पॉइंट्स पढ़ कर देखिए, क्योंकि 1 मिनट